हेलो एवरीवन, दिस इज विनीता और आप सभी का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनीता में। ये है आपका साइकोलॉजी का 10 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट। ये है आपका सेट वन रहेगा जो कि बिल्कुल आपका हिंदी में रहेगा। जो जितने भी आपके एग्जाम है जैसे एच टेट का, केवीएस का, डीएसएसबी और सीटेट का, तो जैसे अभी हुआ ही था, लेकिन आने वाले एग्जाम में ओल्ड टैट जितने भी आपके एग्जाम है उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं थ्योरी बेस्ड होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, जैसे जीन प्याजे है, कोलब्रग है, थोनडाइक है, इन सब पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमेशा हर एग्जाम में आते हैं। जैसे अब आपने 9 दिसंबर को जो सी टैट का एग्जाम हुआ, अगर आपने दिया है या फिर आपने देखा उस एग्जाम को, तो आपने जरूर देखा होगा कि जीन प्याजे, कोलब्रग और उसमें से एक स्किनर का, इस तरीके से क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे। जैसे बुद्धिलब्धि का है और इंटेलिजेंस का है, ये सारे क्वेश्चन में आए थे और हर एग्जाम में आते हैं। तो ये तब कब हमारे इन सब चीजों की प्रैक्टिस होगी? जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। क्योंकि हम थ्योरी तो हम कवर कर लेते हैं, बट जब तक हम उसके क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व नहीं करके देखते, हमारी प्रैक्टिस नहीं बन पाती है। तो उन सब के लिए आपका साइकोलॉजी का सेट वन रहेगा जो कि आपका हिंदी में रहेगा। इसी तरीके से आपके डे बाय डे सेट आते रहेंगे साइकोलॉजी के। और इससे पहले साइकोलॉजी की थ्योरी की बहुत सारी वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं, आप उनको चेक कीजिएगा चैनल विजिट करके, या फिर उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। ये देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, यानी कि आपके एमसीक्यू रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, थोर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था, किस पर उसने सबसे पहले अपना प्रयोग किया था? ऑप्शन है आपके सामने, बिल्ली पर, कुत्ते पर, कबूतर पर, या फिर फोर्थ ऑप्शन हम देखते हैं चिंपैंजी पर। तो आपको बताना है कि थोर्नडाइक ने अपना जो प्रयोग है किस पर किया था। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा आपका बिल्ली पर, क्योंकि थोर्नडाइक ने जो प्रयोग है वो बिल्ली पर किया था। क्योंकि उन्होंने ही बताया था कि अभ्यास करके किस तरीके से हम भूल भुलैया, यानी बच्चा बार बार भूल के अभ्यास करके किस तरीके से बच्चा सीख सकता है। तो थोर्नडाइक ने जो प्रसिद्ध प्रयोग किया था वो बिल्ली पर किया था। इसे नेक्स्ट हम देखते हैं। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है, ये आपको बताना है। तो किंडरगार्टन वो किसके द्वारा ये विधि दी गई थी, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, जो कि फ्रोबेल के द्वारा दी गई थी, जिसमें किंडर का मतलब क्या होता है, ये लैटिन भाषा में मतलब लिखा गया है। किंडर, किंडर का मतलब होता है यानी कि बच्चे। गार्टन, गार्डन को गार्टन कहा गया है, तो यानी ऐसे बच्चे, बच्चों का उद्यान जहां बच्चे सीखते हैं। तो कहा है कि किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है, तो वो है आपका जर्मन का। ये जो शब्द है ये जर्मन भाषा से लिया गया है, ना कि लैटिन भाषा से, ये आप याद रखेगा। इससे आगे हम देखते हैं कि व्यक्तित्व का शाही धब्बा परीक्षण देन है। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने कि जो व्यक्तित्व का शाही धब्बा परीक्षण है किसके द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन है आपके सामने फ्रायड, हरमन रोशा, वुडवर्थ या मन। तो जो व्यक्तित्व का शाही धब्बा परीक्षण है वो हरमन रोशा के द्वारा दिया गया है, ये आपको याद रखना है। इसे आगे हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है कि एडोलसेंस पुस्तक के लेखक हैं, यानी एडोलसेंस किसको, किशोरावस्था के बारे में इस पुस्तक में चर्चा की गई थी, उसके बारे में विवरण प्रस्तुत किया गया था। तो मैं आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ कि जो किशोरावस्था है वो तूफान भरी एक अवस्था होती है। तो यह बात किसने कही थी, ये बात स्टेनले हॉल ने कही थी। तो जो एडोलसेंस के बारे में भी किसने लिखा था, सबसे पहले स्टेनले हॉल ने ही लिखा था। तो फोर्थ का आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसे आगे हम देखते हैं। इससे आगे है कि 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं, यानी आपने पढ़ा होगा कि 0 से 25 की, फिर 25 से 50 की, 50 से 75 की, इस तरीके से जो बुद्धि लब्धि है, इसमें मैंने अलग से वीडियो बना भी रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक मेंशन कर दूंगी, इसको जरूर देखेगा। अब आपको बताना है कि 0 से 25 की जो बुद्धि लब्धि है उसको क्या कहते हैं। मूर्ख बालक होते हैं वो, जड़ बालक होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं, या मंदबुद्धि बालक होते हैं। तो जिनकी इतनी कम बुद्धि लब्धि होती है वो जड़ बालक होते हैं। जड़ बालक यानी जिसको हम कहेंगे कि यहाँ बैठ जाए तो यहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ कहेंगे तो वहाँ, यानी वो अपना खुद का माइंड बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे कि ऐसा क्यों कहा, यानी उसमें माइंड जो उनकी जो क्षमता होती है बहुत ही कम होती है, हम जैसा उन्हें कहेंगे वो हमारे इशारों पर काम करते रहेंगे, तो ये होते हैं जड़ बालक। इससे आगे हम देखते हैं। इससे आगे है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा गलत है, उसका आपको चयन करना है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। पहला ऑप्शन है आपके सामने कि बुद्धि लब्धि टर्मन के द्वारा दी गई थी। सेकंड है आपके सामने कि जो मानसिक आयु है वो बीने के द्वारा दिया गया था। थर्ड है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो स्टर्न के द्वारा दिया गया था।
फिर इससे नेक्स्ट है कि बुद्धि का बहुखंड का सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपको एक गलत बताना है कि गलत कौन सा है। तो गलत आप कब बताओगे, जब आपको ये पता होगा कि इसमें से सही कौन सा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो बुद्धि लब्धि है वो टर्मन के द्वारा दी गई थी, आप याद रखिएगा। ये आपका सी टेट का जो लेवल 2 का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि स्टर्न आएगा या फिर टर्मन आएगा। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, बुद्धि लब्धि जो IQ है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, वो टर्मन के द्वारा दिया गया था, लेकिन जो सूत्र है जिसमें मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100 है, वो स्टर्न के द्वारा दिया गया था। और जो हमारी मेंटल एज होती है यानी मानसिक आयु, वो बीने के द्वारा दी गई थी। तो इन तीनों का आप याद रखिएगा, लेकिन जो बुद्धि का बहुखंड का सिद्धांत है वो स्पीयरमैन के द्वारा नहीं दिया गया, क्योंकि स्पीयरमैन के द्वारा द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया गया है। तो 6 का आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। इससे आगे हम चलते हैं, इससे आगे है आपके सामने 7th क्वेश्चन कि स्कीनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत थोर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन से हमें एक बात तो पता चल गई कि स्कीनर के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया गया था, ये तो दिया गया था, लेकिन जो ये सिद्धांत है थोर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है ये आपको बताना है। तो थोर्नडाइक के नियम थे अभ्यास के नियम पर, तत्परता के नियम पर, प्रभाव के नियम पर, या सादृश्य अनुक्रिया के नियम पर। अगर आपने पढ़ा है थोर्नडाइक के बारे में तो आपको पता होगा 3 तो उसके प्रमुख नियम थे और 5 उसके गौण नियम थे। तो उनमें से आपको बताना है कि किस पर स्कीनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन आधारित है, तो ये आपको बताना है। तो जो स्कीनर का थोर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है वो है तत्परता के नियम पर। इससे आगे हम प्रभाव के नियम पर आधारित है, क्योंकि स्कीनर ने किस पर की प्रयोग किया था, स्कीनर ने एक बात बताई थी कि बच्चा कब सीखता है, क्रिया के द्वारा सीखता है। और थोर्नडाइक ने भी एक बात बताई थी कि जब बच्चा बार बार अभ्यास करेगा, उस कार्य को प्रश्न में लेके आएगा, उसको प्रैक्टिस करेगा, तभी वो अच्छे से सीख पाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट रहेगा, यानी कि प्रभाव का नियम। इससे आगे है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 कि बुद्धि लब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ये आपको बताना है कि थोर्नडाइक ने किया था, विलियम स्टर्न ने किया था, अल्फ्रेड बीने ने किया था, या टर्मन ने किया था। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि बुद्धि लब्धि का प्रयोग किसने किया था और यानी कि उसका सूत्र किसने दिया था। तो आपको पता चल ही गया होगा कि बुद्धि लब्धि का सबसे पहले प्रयोग टर्मन ने किया था, ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं और आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक तो स्टर्न में कंफ्यूज हो जाते हैं और एक वो टर्मन में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टर्मन ने बुद्धि लब्धि के बारे में बताया था, लेकिन स्टर्न ने क्या किया था, उसका सूत्र दिया था, ये बात आपको याद रखनी, बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिएगा आप। तो 8 का आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसे नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा थोर्नडाइक का गौण नियम है, ये आपको बताना है। तो अभी मैंने बताया कि थोर्नडाइक के 3 तो प्रमुख नियम थे, 5 गौण थे। अगर आपने पढ़ा है तो आप बिल्कुल देखते इसका आंसर दे दोगे। और थोर्नडाइक के थ्योरी के बेस जो अभ्यास का नियम है उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप जरूर देखिएगा। वहां से आपके देखो इसी वीडियो में आपके 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं कि थोर्नडाइक थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ एक थ्योरी है जैसे जीन पियाजे की है, कोहलर की है, थोर्नडाइक की है, स्कीनर की है, आईपी पैवलो की है, ये सारी की सारी, जैसे गेस्टाल्ट का सिद्धांत है, ऐसी बहुत सारी थ्योरी है जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो इनको तो आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं आपकी साइकोलॉजी में। जैसे आपको पता है DSSB में 100 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के, तो थ्योरी बेस्ड तो काफी होते हैं उसमें, और कुछ एक पैडागोजी क्वेश्चन होते हैं। तो इनको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा फायदा रहेगा, आपका स्कोर काफी अच्छा रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा थोर्नडाइक का गौण नियम है, ये आपको बताना है। यहाँ पे बहुत बार नहीं आ जाता है तो हम उस चीज़ को भूल जाते हैं कि यहाँ पे नहीं लिखा भी हुआ है और क्वेश्चन हम गलत कर जाते हैं। तो पहले आप जहाँ अगर नहीं लिखा गया तो उसको जैसे अंडरलाइन कर लीजिएगा पेन से, ताकि जब आप क्वेश्चन पढ़ो और आंसर पढ़ो ना, तो दोबारा आपका उस नहीं पे जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड पे आपका ध्यान जाए कि इसमें नहीं पूछा गया है। ऐसे आप मार्क करके देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा थोर्नडाइक का गौण नियम है, तो ऑप्शन है आपका प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम और अभ्यास का नियम। तो जो आपका प्रभाव का नियम, ये भी आपका प्रमुख है, तत्परता भी है और अभ्यास भी है। तो पूछा गौण नियम कौन सा है, वो है आपका सादृश्य अनुक्रिया का नियम, ये आपका एक गौण नियम है। इससे आगे हम चलते हैं कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया था, अभी मैंने आपको बताया था, जल्दी से बता दीजिएगा कि थोर्नडाइक ने दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था, अल्फ्रेड बीने ने दिया था, या फिर टर्मन ने दिया था। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र इसने पूछा है, ना कि ये पूछा है कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले किसने कहा था। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था कि MA / CA
मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। जो ये सूत्र है किसने दिया था, ये आपका विलियम स्टर्न ने दिया था, ठीक है। ये आपका बुद्धिलब्धि का सूत्र 10 का आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन का एमसीक्यू यानी कि मॉक टेस्ट था आपका, जो कि आपका साइकोलॉजी का सेट 1 था। इस टेस्ट को आप जरूर लगाइएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, जिनका भी टेट से रिलेटेड कोई भी इनका एग्जाम है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।